साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और तिलक वर्मा का तूफान आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने बेहतरीन जीत दर्ज की, जहां पर आखिरी ओवर में संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्या और संजू के शानदार परफॉर्मेंस को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक, और साथ ही दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो एक बार फिर सिक्का उछला एडन मार्करम ने और गिरा फिर से सूर्य के पक्ष में, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इस बार पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिक लिटन और उनके साथ थे एडन मार्करम। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर टीम को एक बार फिर से शानदार शुरुआत दिलाई, जब पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया एडन मार्करम ने। तो इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में 8 रन जोड़ दिए टीम के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों को संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला रिकल्टन के बल्ले से, और इस बार उन्होंने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद एडन मार्करम ने एक और कमाल का शॉट यहाँ पर तीसरे ओवर में खेला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टेट बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट खेले और शुरुआती 4 ओवर में टीम के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद यहां पर अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर में भारतीय टीम को पहली सफलता एडन मार्करम के रूप में दिला दी। एडन मार्करम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 22 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने भी आते ही शानदार शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी बीच यहां पर रिकल्टन के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन इसी ओवर में शानदार वापसी करते हुए रिकल्टन को पवेलियन भेजने में कामयाब हुए वरुण चक्रवर्ती और साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरा झटका दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर हेनरी क्लासेन और ट्रेस्टन स्टेप्स ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर डाली और टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार ले गए। इसके बाद यहां पर एक और सफलता भारतीय टीम को मिली, जब ट्रेस्टन स्टेप्स बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना कैच थमा बैठे और यहाँ पर अक्षर पटेल ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। लेकिन इसके बाद डेविड मिलर के साथ मिलकर हेनरी क्लासेन ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार से आगे बढ़ाया। इसी बीच दोस्तों, यहां पर वरुण चक्रवर्ती की एक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए डेविड मिलर। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों, इनका शानदार परफॉर्मेंस तो जारी था, लेकिन दूसरी तरफ से हेनरी क्लासेन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए रवि बिश्नोई की एक गेंद को 105 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक तो पूरे किए ही, साथ ही यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को भी बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों के शानदार अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने 198 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम के सामने 199 रनों का लक्ष्य रखा। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। यहाँ पर अभिषेक शर्मा के ऊपर दबाव जरूर था शानदार शुरुआत करने का, और उन्होंने शानदार शुरुआत करके भी दिखा दी। पहला ही ओवर डालने आए एडन मार्करम की दूसरी ही गेंद पर शानदार तरीके से इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, संजू सैमसन ने एक बार फिर से यहां पर इस ओवर की 5वीं गेंद पर बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद को कवर पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेजकर बैक टू बैक 2 चौके संजू सैमसन ने जड़ दिए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी दूसरे ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया क्रेलेट कोर्जे की गेंद को डाउन द ग्राउंड और बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहाँ पर उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का दूसरा छक्का यहाँ पर जड़ दिया अभिषेक शर्मा ने।
इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और गेंद को इस बार भी बैकफुट से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने यहाँ पर चौथे ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का तीसरा छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों ग्रेलेट कोर्जे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर उनको पेवेलियन भेज दिया। अभिषेक काफ़ी शानदार शुरुआत कर चुके थे लेकिन आखिरकार ग्रेलेट कोर्जे की एक शानदार गेंद ने उनकी इस पारी को समाप्त किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहली सफलता मिल गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम में आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, लेकिन इसी बीच संजू सैमसन ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले में 60 रनों तक पहुंचा। इसके बाद यहां पर सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए तिलक वर्मा और स्क्वायर लेग के ऊपर से अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद संजू सैमसन ने भी यहां पर फिटर की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना एक और दमदार छक्का यहां पर संजू सैमसन ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 10वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुँच गया था और संजू सैमसन अब धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच दोस्तों 11वें ओवर में भी संजू के बल्ले से एक और शानदार इनसाइड आउट शॉट देखने को मिला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। ये संजू के बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन शॉट था और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। एक ही प्रकार का ये इनका दूसरा शॉट था और इस दूसरे शॉट पर भी इनके बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर में भी एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए जब उन्होंने शानदार तरीके से स्लॉट में आई गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद क्रूगर के ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जब गेंद को शानदार तरीके से कट करके पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तिलक की शानदार बल्लेबाजी के चलते अब भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति तक 133 रनों तक पहुँच गया। इसके दोस्तों यहां पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंकते हुए अद्भुत शॉट खेल दिया। इसी बीच तिलक ने एक और शानदार चौका यहां पर 16वें ओवर में भी जड़ा जब केशव महाराज की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक शानदार शॉट था। वहीं पर दोस्तों 16वें ओवर की समाप्ति होते होते यहां पर भारतीय टीम को एक और झटका लग गया क्योंकि यहां पर तिलक एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर सीधे गेंद वो हाथ में थमा बैठे मार्को येंसन के और तिलक इस मुकाबले में 44 रनों की शानदार पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। वहीं पर अब क्रीज पर आ चुके थे सूर्य कुमार। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। इसके बाद संजू सैमसन ने यहां पर 18वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला और इसको भी स्टैंड में वो डिपॉजिट करने में कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर की समाप्ति के बाद 170 रनों तक पहुँचा, यानी कि अब मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को जरूरत थी 29 रनों की और गेंदें बची हुई थी मात्र 12। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर एक शानदार चौका 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला लेकिन इस ओवर में सिर्फ ये दोनों बल्लेबाज एक ही चौका लगा पाए। इसके अलावा दो सिंगल वह एक वाइड गेंद के साथ इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए जिसके चलते आखिरी ओवर में बचे थे 22 रन और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य। तो वहीं पर गेंद थी मार्को येंसन के हाथ में। वहीं पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलकर मुकाबले में थोड़ा आगे जाने की कोशिश थी सूर्या की और इसी का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और पहली गेंद को यहां पर फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर अपनी कलात्मक तरीके से खेला हुए शॉट के जरिए गेंद को उन्होंने यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर दो गेंदों पर 10 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद लेकर चले मार्को येंसन, तो इस गेंद पर भी सूर्या ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार फिर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर और 3 गेंदों पर 16 रन बना दिए। अब टीम को जीत के लिए 3 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत
थी, लेकिन तभी चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव सिर्फ सिंगल ले पाए, यानी कि दोस्तों बची हुई दो गेंदों पर टीम को जीत के लिए चाहिए थे 5 रन, लेकिन तभी संजू सैमसन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर कट शॉट के जरिए पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन संजू ने अपने ही अंदाज में मुकाबले को फिनिश किया और डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। संजू सैमसन एक बार फिर से यहां पर 88 रनों की दमदार पारी खेलकर नाबाद रहे और टीम को जीत तक लेकर गए। वहीं पर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम मुकाबला अपने हाथ में होने के बावजूद भी अंत तक मुकाबला उनके हाथ से फिसल गया। तो दोस्तों आपको सूर्या और संजू की ये फिनिश कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।